वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद वी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईवीएस थर्ड चैप्टर एनिमल शेल्टर. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय एनिमल शेल्टर? मीन्स एनिमल्स को जो रहने के लिए जो जगह चाहिए रहती है, मीन्स अब खुद को सेफ रखने के लिए जो चीज़ लगती है उसे क्या कहते हैं हम? शेल्टर. ओके, कैन यू टेल? द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन. हु इज दैट? नाउ सी ओवर हियर, कैन यू टेल मीन्स क्या आप बोल सकते हो? द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन मीन्स जो कैट है वो क्या कर रही है? लाइंग मीन्स वो लाए मीन्स लेटी हुई है. ओके, इन वेट फॉर समवन और वो किसी का क्या कर रही है? वेट. हु इज दैट? सो हु इज दैट, कौन हो सकता है वो? सो सी ओवर हियर, सी द पिक्चर केयरफुली. द कैट इज वेटिंग फॉर माइस, राइट? बिल्ली किसके लिए रुकी हुई है? वो क्या सोच रही है? चूहे के बारे में सोच रही है. ओके, व्हाट हैज फ्राइटेंड द क्रोज? व्हाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे? नाउ व्हाट हैज फ्राइटेंड द क्रोज मीन्स जो क्रो है ये क्या है? क्रो, राइट? क्रो मीन्स कौवा, राइट? सो व्हाट हैज फ्राइटेंड द क्रोज मीन्स कौवे क्यों फ्राइटन होके इधर उधर भाग रहे हैं? Why are they trying to frighten the cat away? और वो लोग क्यों है ना ट्राई कर रहे हैं कि जो कैट है उसे भगा दे? अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि वो जो उनका क्रो का नेस्ट है उसमें क्या है? क्रो के छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट? उनके यंग वंस हैं और अंडे हैं, एग्ज है, तो उसे कहीं कैट खा ना ले. इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फ्राइटन हो रहे हैं, मीन्स इधर उधर कैट को जो है वो दूर कर रहे हैं. ओके, नाउ सी ओवर हियर, व्हाई डू वी नीड हाउसेस मीन्स व्हाई डू वी नीड हाउसेस मीन्स हमें घर की ज़रूरत क्यों है? हमें होम की ज़रूरत क्यों है? हाउस की ज़रूरत क्यों है? वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी विंड्स, सोर्सिंग सन, हैवी रेन्स कैन कॉज अस ग्रेट डिसकम्फर्ट. नाउ सी, वेरी कोल्ड वेदर मीन्स के ज़्यादा ठंडा वेदर, राइट? गस्टी विंड्स मीन्स जोर की ज़्यादा ठंडा वेदर या फिर तेज़ हवाएं, राइट? स्कॉचिंग सन मीन्स ज़्यादा धूप, बहुत एकदम तेज़ धूप. हैवी रेन्स मीन्स एकदम ज़ोरदार बारिश. कैन कॉज अस ग्रेट डिसकम्फर्ट. अब देखो, जो ये सब चीज़ें हैं, जो क्लाइमेट हमारा चेंज होता है, जैसे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है, तेज़ हवाएं चलती है, ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, राइट? तो ये सब जब रहता है, जब ये सब होता है, तो इसके लिए ये सब क्या कर सकता है? हमें डिसकम्फर्ट पहुंचा सकता है, राइट? मीन्स हम लिविंग बींग्स जो है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें क्या कर सकता है? डिसकम्फर्ट कर सकता है, राइट? सो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं? हम हाउस बनाते हैं, राइट? सो वी लिव इन हाउसेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम देम. तो हम हाउसेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके ये सारी चीज़ों से. इसीलिए हम क्या करते हैं? हाउस बनाते हैं, राइट? घर बनाते हैं. अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थेफ्ट. और जो घर है वो क्या काम करता है? वो हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे? थेफ्ट से भी, मीन्स चोरों से भी क्या होता है? हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं. मीन्स हाउस सिर्फ नेचर से नहीं, जैसे कि तेज़ हवाएँ, धूप, इन सब चीज़ों से, बारिश से, सिर्फ इन सब चीज़ों से ही नहीं बचाता, उसके साथ साथ हमें हाउस क्या करता है? शेल्टर देता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे? थेफ्ट से भी, मीन्स चोरों से भी. ओके, सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट. अब देखो, कुछ पीपल, सम पीपल मीन्स कुछ लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं? दे लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट. नाउ फॉरेस्ट मीन्स व्हाट? फॉरेस्ट मीन्स जंगल, राइट? जो कुछ लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? जंगलों के पास में नज़दीक रहते हैं. वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट मीन्स जंगलों से नज़दीक घर रहता है उनका. दे हैव टू फेस द ट्रीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब जो लोग जंगल के नज़दीक रहते हैं, वेरी क्लोज रहते हैं फॉरेस्ट के, उन्हें किसको फेस करना पड़ता है? वाइल्ड एनिमल्स को. वाइल्ड एनिमल्स मीन्स व्हाट? एनिमल्स विच लिव्स इन जंगल, राइट? जो लोग, जो एनिमल जंगल में रहते हैं, जो जंगली रहते हैं, राइट? तो उन्हें क्या करना पड़ता है? वाइल्ड एनिमल्स को मतलब फेस करना पड़ता है. मीन्स कभी भी वो लोग को रिस्क रहता है फॉरेस्ट के आसपास के लोगों को, के रिस्क रहता है कि कभी भी कोई भी वाइल्ड एनिमल आ सकता है, राइट? अ हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू. तो वो लोग क्या करते हैं? वहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, मीन्स हाउस बनाते. तो ये हाउस क्या करता है? सिर्फ तेज़ बारिश, हवा, धूप, सिर्फ इनसे ही प्रोटेक्ट नहीं करता. वो क्या करता है? हाउस
वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर, उसे भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें सेफ रखता है. ओके Like us, do animals also need shelter? अब देखो सी ओ है, लाइक अस मीन्स जैसे हमें शेल्टर चाहिए रहता है. हमारा शेल्टर क्या रहता है, हमारे हाउस रहते हैं, राइट. सो हमारे ही जैसा एनिमल्स जो रहते हैं उन्हें भी क्या चाहिए रहता है, शेल्टर चाहिए रहता है. सम एनिमल्स डू, दे बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ. सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट. अब देखो एनिमल्स जो रहते हैं उनमें कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, खुद के लिए खुद का शेल्टर खुद बनाते हैं. ओके सो दे बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ मीन्स जो एनिमल रहते हैं वो लोग खुद का घर खुद बनाते हैं. और जो कुछ रहते हैं, सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरमेंट. और जो कुछ रहते हैं वो क्या करते हैं, सेफ प्लेसेस पे, जैसे कि मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे कोई सेफ जगह ढूंढ के, मीन्स कोई सुरक्षित जगह ढूंढ के खुद से वहाँ पे जाके सेटल हो जाते. ओके अ न्यू टर्म शेल्टर. अब देखो यहाँ पे शेल्टर को बताया कि शेल्टर किसे कहते हैं. अ सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डेंजर. शेल्टर उसे कहते हैं जो एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी डेंजर से, मतलब कोई भी दुर्घटना, जैसे कि नेचर की दुर्घटना हो या कोई जंगली जानवरों की, कोई भी चीज़ के, उससे हम सेफ रहते हैं, बचे हुए रहते हैं. अ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा. तो शेल्टर किसे कहते हैं कि एक प्लेस जहाँ पे हम सन मीन्स सूरज, रेन मीन्स बारिश और हवा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से हम सेफ रहते हैं, मीन्स हम बचे हुए रहते हैं उधर. ओके एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्व. अब सी नाउ सी ओवर या एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्व मीन्स वो एनिमल्स, वो जानवर जो शेल्टर खुद के लिए खुद बनाते हैं. ओके यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट. अब नाउ यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट मीन्स आप लोगों ने तो जो चिड़ियाएँ होती है, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जैसे कि पिजन हो गया, क्रोज हो गए, स्पैरो हो गए, स्पेशली स्पैरो, राइट. सो यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट मीन्स जो ये बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं. नेस्ट आर शेल्टर दैट बर्ड्स बिल्ड. अब ये जो नेस्ट है वो कौन बनाता है, ये एक शेल्टर रहता है. कौन बनाता है, ये बर्ड्स बनाते हैं, राइट. बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स. अब जो बर्ड्स होते हैं वो अफ्रेड होते हैं, मीन्स डरे हुए रहते हैं. किससे, वो एनिमल्स से जो उनके अंडे खा सकता है, जो एग को खाते हैं. ओके सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स. नाउ सी ओवर हियर, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं, राइट. तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपने नेस्ट में देते हैं, नेस्ट बना के, एक शेल्टर बना के उसमें देते. क्यों उसमें देते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई और एनिमल आके वो अंडे ना खा ले. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक सेफ प्लेस यानी कि नेस्ट बनाते हैं और फिर उसमें अपने अंडे देते हैं, दे ले देयर एग्स. ओके बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग. देर आर एनिमल्स दैट ईट देर दिस यंग बर्ड्स. सो सी बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग. सी ओवर हियर, दिस इज नेस्ट, राइट. नेस्ट में क्या करते हैं, वो लोग एग को ले करते, मीन्स अंडे देते. अब वो अंडों में से क्या आता है, बेबी बर्ड आता है, यानी कि जो चिड़िया होती है उनके छोटे बच्चे होते हैं. देर आर एनिमल्स दैट ईट दिस यंग बर्ड्स. और कुछ ऐसे एनिमल रहते हैं जो ये छोटे छोटे बच्चे जो अंडे में से निकलते हैं उसे भी खा जाते हैं. द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्फ. अब जो यंग बर्ड्स रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यंग वंस रहते हैं बर्ड्स के, वो लोग बहुत कमज़ोर रहते हैं तभी पैदा हुए, तो वो लोग डिफेंड नहीं कर सकते, मीन्स वो एनिमल से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो लोग बहुत वीक रहते हैं, कमज़ोर होते हैं. द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ. तो जो नेस्ट होता है, जो नेस्ट वो लोग बनाते हैं, उसमें जो यंग वंस रहते हैं, मीन्स जो चिड़िया के, कौवे के जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, वो सारे सेफ रहते हैं उसमें. दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेट्स को बिल्ड करते हैं. ओके बनाते हैं. दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विंग्स टू बिल्ड नेस्ट. अब देखो
जो बर्ड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रास यानी कि घास, स्ट्रॉ, जिससे हम नारियल पानी में स्ट्रॉ लगा के पीते हैं ना, उसे कहते हैं स्ट्रॉ। तो दे यूज़ थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विंग्स। ट्विंग्स मीन्स जो वुड में, देखो एक वुड की ब्रांच रहती है, लकड़ी की ब्रांच रहती है या स्टेम्प होता है, उसमें जो छोटे छोटे से स्लेंडर वुड ग्रो रहते हैं ना, उसे कहते हैं ट्विंग्स। तो वो सारी चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, जमा करके अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। ओके, दे मे इवन यूज कॉटन वूल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग। अब देखो वो लोग है ना, इवन क्या यूज़ करते हैं, कॉटन वूल मीन्स जो वूल होता है उसे यूज़ करते हैं, जो स्वेटर में यूज़ होता है ना ऊन, वूल एंड पीस ऑफ थ्रेड। नाउ पीस ऑफ थ्रेड मीन्स धागे का छोटा सा थ्रेड, छोटा सा टुकड़ा, एंड स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रिंग, मटेरियल ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थिन लेंथ। मीन्स कि कोई एक मटेरियल यूज़ होता है जिसको ट्विस्ट करते हैं टुगेदर ताकि वो लेंथ थिन बन सके। तो ये सारी चीज़ें वो लोग बनाकर क्या करते हैं, अपना मिलाकर उसे घोंसला बनाते हैं। ओके, दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड। तो इससे क्या होता है, जो नेस्ट होता है, जो वो लोग का घोंसला होता है, वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट रहता है, मीन्स मुलायम रहता है, एंड वार्म इनसाइड और गर्म भी रहता है अंदर से। ओके, बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक। अब देखो सारे जो बर्ड्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स रहते हैं, राइट, तो उन सब के घोंसले जो है वो सेम नहीं रहते, सबके अलग अलग डिफरेंट रहते हैं। बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेस टू बिल्ड नेस्ट। अब जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वीनियंट प्लेस मीन्स अपने हिसाब से जगह ढूंढते हैं घोंसला बनाने के लिए। लुक एट द वीवर बर्ड। अब देखो ये क्या है, एक वीवर बर्ड है। ओके, इट चूजेज अ थॉर्नी ट्री विच हैज़ सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर। अब जो ये वीवर बर्ड है वो क्या करता है, थॉर्नी ट्री मतलब एक थॉर्नी ट्री को चूज करता है। ओके, जो कहाँ पर हो, हैंगिंग ओवर द वाटर मीन्स जो जो पानी पे हैंग करता रहे, मतलब पानी के ऊपर है, वैसे पे वो क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। सी ओवर यर, ये कौन है, वीवर बर्ड, और ये क्या करता है, अपना ऐसा नेस्ट बनाता है। स्पेशली कहाँ बनाता है, वो थॉर्नी ट्रीज पे जो वाटर के ऊपर हो। ओके, हैंगिंग बनाता है, हैंगिंग नेस्ट। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ऑफ दिस ब्रांचेस। अब वो क्या करता है, अपना नेस्ट है ना हाईएस्ट ब्रांचेस पे, मींस जो झाड़ है उसके ब्रांच के ऊपर ऊपर ज्यादातर ऊपर पर बनाता है। इसके बाद का लेक्चर Animals that eat eggs find it difficult to reach the nest. अब देखो वो लोग ब्रांचेस के ऊपर पानी के ऊपर एक बड़े से पेड़ पे एकदम ऊपर क्यों बनाते हैं, ताकि जो एनिमल है, जो दूसरे जानवर हो, उनसे क्या हो, वो सेफ रहे। तो वो लोग क्या कर सकते, उतने ऊपर तक डिफिकल्ट रहता है, मीन्स वो लोग वहाँ तक का नहीं पहुँच सकते, इसीलिए वो लोग इतना ऊपर ऊपर बनाते हैं। ओके, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच दिस नेस्ट, मीन्स जो जानवर है वो लोग को मुश्किल होती है वहाँ ऊपर तक का पहुँचने, इसीलिए वो लोग ऊपर बनाते हैं ताकि वहाँ पे सेफ रहे। द टेलर बर्ड इज स्मॉलर दैन अ स्पैरो। नाउ सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेलर बर्ड। ओके, नाउ दिस टेलर बर्ड इज स्मॉलर दैन अ स्पैरो, मीन्स कि ये जो टेलर बर्ड है वो जो स्पैरो होती है, जो नॉर्मली चिड़िया होती है, उससे भी छोटी स्पैरो रहती है एकदम। तो इसे क्या कहते हैं, टेलर बर्ड कहते हैं। ओके, इट सिलेक्ट अ प्लांट विथ बिगर लीव्स एंड बिल्ड इट नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। अब देखो ये जो टेलर बर्ड है वो कौन सा प्लांट सिलेक्ट करती है, वो प्लांट सिलेक्ट करती है जिसके जो लीव्स हो, मीन्स जो पत्ते हो, वो क्या हो, बड़े बड़े हो, एंड बिल्ड इट नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। तो वो क्या करती है, वो जो पत्ते रहते हैं ना बड़े बड़े, उन्हें स्टिच करती है, मीन्स दो पत्तों को मिलाकर। नाउ सी ओवर हियर, सी द पिक्चर ओवर हियर, वो क्या करती है, जो लीव्स होते हैं उन्हें एक दूसरे में मिलाकर उसे स्टिच करती है। स्टिच करना मीन्स उसे सिलती है, स्टिच देम टुगेदर मीन्स उसे वो क्या करती है, उसे स्टिच कर दी है, स्टिच कर देती है। द लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड। अब जो ये लिटिल नेस्ट रहता है, ये जो छोटा सा नेस्ट रहता है, वो उसके लिए इनफ रहता है। वो छोटी सी टेलर बर्ड, मतलब जो टेलर बर्ड होती है वो बहुत लिटिल होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो उसके लिए वो जो नेस्ट होता है वो बिग इनफ रहता है, मीन्स वो नेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा रहता है।
नाउ सी द पिक्चर ओवर हियर, ये दिख रहा है आपको, वो क्या करी है, उसने बड़े बड़े पत्तों को स्टिच कर दिए, मींस उसे सिल दिए, ज्वाइंट कर दिया, और ये क्या कर दिया, उसने अपना नेस्ट बना दिया. ओके, इट यूजेज अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच देम टुगेदर, मींस इट यूजेज अ फाइन टेंड्रिल, मींस वो क्या करती है, छोटे छोटे पतले पतले टेंड्रिल, टेंड्रिल मींस एक टाइप ऑफ पतली पतली घास को क्या करती है, वो मुंह से गोल गोल घुमाकर उसे पत्तों के अंदर सिल देती है. द लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड, और ये जो नेस्ट है वो उसके लिए बिग इनफ रहता है क्योंकि वो छोटी सी रहती है. ओके, सम इंसेक्ट ऑल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर, सम इंसेक्ट मीन्स कुछ इंसेक्ट जो होते हैं, कुछ कीड़े जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, खुद का शेल्टर मीन्स खुद का घर खुद बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्ब्स ऑन ट्री और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिफ. नाउ सी हनी बीज, अब सबको नॉर्मली पता ही है, हनी बीज मीन्स व्हाट, शहद की मक्खी, राइट. वो क्या करती है, अपना हनी कॉम्ब मीन्स अपना जो शहद का छत्ता होता है वो क्या करती है, उसे क्या कहते हैं, हनी कॉम्ब. ओके, तो वो क्या करती है, उसे कहाँ बिल्ड करती है, ऑन ट्री मीन्स झाड़ के ऊपर बनाती है, और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिफ, और नहीं तो क्या करती है, एकदम ऊँची दीवार पर जहाँ पे वो ओवर हैंगिंग रूफ, मतलब रूफ ऐसा जो वो लटकता हो, जहाँ पे जल्दी किसी का हाथ ना पहुँच सके, वहाँ पे वो क्या करती है, अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाती है, मीन्स वहाँ पे अपना वो शहद लाकर जमा करती है, राइट. Rats and mice live underground in fields. They dig into the soil and make holes and burrows to live in. Now see, rats and mice live underground in fields. Means, जो rats होते हैं, यानी कि जो चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना घर कहाँ बनाते हैं? Underground बनाते हैं. Means, वो लोग कहाँ रहते हैं? जो rats and mice रहते हैं, वो लोग underground. Means, वो लोग नीचे खड्डा करके रहते हैं. They dig into the soil and make holes and burrows to live in. अब वो क्या करते हैं, they dig into the soil means जो रेती होती है, जो मट्टी होती है, उसमें क्या करते हैं, वो लोग खड्डा करते हैं, into the soil and make holes, और क्या करते हैं, होल बनाते हैं, and burrows to live in, और उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें घुस के वो लोग रहते हैं. मीन्स नॉर्मली आप लोग ने देखा है ना, चूहे क्या करते हैं, वो लोग अपना बिल बनाते हैं, मीन्स कहीं पर भी वो लोग खड्डा करने लगते हैं और उसमें जाकर वो लोग रहते हैं. ओके, rats and mice also live in areas where people live. अब देखो, जो rats and mice रहते हैं, मीन्स ये जो चूहे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पे भी रहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. अब नॉर्मली देखे हो ना आपने, जहाँ पे इंसान रहते हैं, वहाँ पे भी चूहे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नीचे नीचे खड्डा करके वहाँ पर रहने लग जाते हैं. They make hole in the walls and under the floor in houses. Now see, they make holes means वो लोग क्या करते हैं, hole बनाते हैं, खड्डा करते हैं, in the walls means दीवारों में hole करते हैं, और under the floor in houses, या फिर क्या करते हैं, floor के नीचे अपना hole करते हैं, means वो लोग को या तो दीवार में hole करते हैं, या तो फिर ज़मीन के नीचे वो लोग hole बनाकर रहते हैं. okay? They mostly take shelter in mud houses and not in those built with cement. अब जो ये चूहे रहते हैं, जो माउस रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपने हाउस कहाँ बनाते हैं, मड हाउसेज मीन्स मिट्टी के उसमें, मिट्टी के घरों के नीचे वो लोग अपना होल बनाते हैं, एंड नॉट इन दोज बिल्ड विथ सीमेंट, और उसमें नहीं बनाते जिसमें सीमेंट के बने हो, मीन्स सीमेंट के घरों में जल्दी वो लोग सीमेंट के घरों में नहीं बना पाते वो लोग बिल, तो वो लोग क्या करते हैं, मड हाउसेस मीन्स जो मिट्टी के घर रहते हैं उसमें वो लोग इजीली अपना होल बनाकर रहने लग जाते हैं. दैट इज़ बिकॉज दे कैनॉट डिग होल्स इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शन. अब देखो, वो लोग क्यों नहीं बना पाते सीमेंट के हाउसेस में घर, क्योंकि वो लोग होल नहीं कर पाते, सीमेंट कंस्ट्रक्शन जो सीमेंट के घर रहते हैं उसमें वो लोग होल नहीं कर पाते. ओके, एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन द सराउंडिंग. अब देखो, एनिमल्स, वो एनिमल्स जो रेडी शेल्टर फाउंड करते हैं, मीन्स उनको बना बनाया शेल्टर मिलता है अपने आसपास, सराउंडिंग मीन्स अपने आसपास. ओके,
सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर. अब देखो सम एनिमल्स मीन्स जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर मीन्स वो लोग अपनी कोई मेहनत नहीं लगाते, कोई एफर्ट नहीं करते अपना घर बनाने के लिए. दे सिंपली लुक अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस. वो लोग घर नहीं बनाते, खुद मेहनत नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, दे सिंपली लुक अराउंड मीन्स वो लोग अपने आस पास ही कोई अच्छी सेफ प्लेस ढूंढते रहने के लिए. ओके. सम डव्स एंड पिजन्स लिव इन फॉरेस्ट. अब देखो सम डव्स एंड लीव्स जो कुछ डव होते हैं और पिजन्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं मीन्स जंगलों में रहते हैं कबूतर लोग. ओके. सम लिव इन स्मॉल हॉलोज इन हाई क्लिफ्स. अब कुछ जो है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन जो कुछ है वो क्या करते हैं, हाई क्लिफ्स में रहते हैं. स्मॉल हॉलोज इन हाई क्लिफ्स मीन्स वो कुछ लोग जो क्या करते हैं, वो लोग हाई क्लिफ्स में रहते हैं. सम लिव नियर अवर हाउसेस. और कुछ क्या करते हैं, हमारे हाउसेस मीन्स हमारे घरों के नज़दीक रहते हैं. दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स. अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना शेल्टर कहाँ ढूंढते, अपना घर कहाँ ढूंढते, दे फाइंड शेल्टर इन दी गैप्स इन वॉल्स मीन्स वो लोग दीवारों के बीच में जो थोड़ा बहुत भी जो गैप रहता है उसमें क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं. अब नॉर्मली आप लोग ने देखा होगा जो पिजन रहते हैं मीन्स जो कबूतर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अब बिल्डिंग में छोटा सा भी अगर कहीं कोना रहता है, दो वॉल दो दीवारों के बीच में अगर छोटा सा भी होल रहता है या कुछ जगह रहती है तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपना शेल्टर बना लेते हैं मीन्स वहाँ पर अपना घर बनाकर रहने लगते हैं. राइट. नाउ सी टाइगर लेपर्ड्स हायंस लिव्स इन केव्स. नाउ टाइगर मीन्स शेर जो हो गए, लेपर्ड्स जो हो गए, और हायंस मीन्स लकड़बग्घे, जो लकड़बग्घे रहते हैं ना जो डॉग जैसे दिखते उन्हें कहते हैं हायनस. ओके. सो ये सब क्या करते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव्स इन केव्स मीन्स ये लोग कहाँ रहते हैं, केव में रहते हैं. ओके. गुफाओं में रहते हैं. केव मीन्स गुफा. ओके. सो टाइगर लेपर्ड्स दे आर लिव इन केव्स. ओके. सी ओवर हियर दिस इज केव. ओके. एंड दिस इज टाइगर. राइट. सो दे लिव इन केव्स. ओके. Some types of bats live in tall trees. Now see, some types of bats means कुछ type जो रहते हैं, कुछ type के bats, bats means चिमगादड़, right? तो कुछ type के जो bats रहते हैं वो कहाँ live करते हैं, in tall tree means लंबे लंबे झाड़ पर वो लोग रहते हैं, कौन, चिमगादड़. But some live in dark cavernous in mountains. लेकिन जो कुछ रहते हैं वो क्या करते हैं, अंधेरे में means पहाड़ों पर जो अंधेरे side का इलाका रहता है, कुछ जो चिमगादड़ है वहाँ रहते हैं, और कुछ जो है वो लंबे लंबे झाड़ों पर रहते हैं लटकते हुए. और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डेजर्ट टम्बल टाउन बिल्डिंग्स. या फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ चिमगादड़ जो है वो लंबी बिल्डिंगों में रहते हैं, कुछ चिमगादड़ जो है वो पहाड़ों में अंधेरे साइड पर रहते हैं, और जो कुछ चिमगादड़ है वो क्या करते हैं, अपना शेल्टर कहाँ ढूंढते हैं, ओल्ड डेजर्टेड मीन्स ओल्ड पुरानी, डेजर्ट मीन्स डेजर्ट जैसे रेगिस्तान हो गया, टम्बल डाउन बिल्डिंग. टम्बल डाउन बिल्डिंग मीन्स खंडर, जो बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, जो टूटी फूटी रहती है, एकदम खंडर हो जाती है, ऐसी सब जगहों पे वो लोग क्या करते हैं, अपना घर ढूंढ लेते हैं. कौन ढूंढ लेते हैं, चिमगादड़. नाउ सी ओवर हियर दिस आर बैट्स. राइट. वो क्या कर रहे हैं, वो झाड़ों पर लटक रहे, टंग रहे उल्टा. नाउ डिड यू नो इट इज बिलीव दैट अ कोबरा लिव्स इन एन एंट हिल. नाउ डू यू नो जो कोबरा है, ऐसा बोला जाता है कि जो कोबरा है, जो कोबरा रहता है, कोबरा क्या है, स्नेक है. राइट. एक टाइप ऑफ स्नेक है. सो ऐसा माना जाता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, एंट हिल में. एंट हिल मीन्स वो जो मुंगी लोग, जो मुंगी होती है, जो एंट होती है, वो लोग जो अपना हाउस बनाते हैं हिल हिल जैसा, उसमें ऐसा बोला जाता है कि वो लोग वहाँ रहते हैं. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है. एंट हिल्स आर बिल्ड बाय एंट्स नॉट बाय अ कोबरा. क्योंकि क्यों ये सच नहीं है, क्योंकि जो एंट हिल्स है मीन्स जो एंट का जो हिल्स है वो एंट मीन्स एंट लोग ही बनाते हैं, लेकिन कोबरा नहीं बनाते. द कोबरा लिव इन होल्स. जो कोबरा है वो कहाँ रहते हैं, वो लोग होल्स में रहते हैं मीन्स खड्डों में रहते हैं. ओके. नाउ शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स आर एनिमल्स
कौन से एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम हमारे हाउसेज में रखते हैं, राइट, जो हमारे यूज में डेली यूजेस में भी काम आते हैं. ओके, सो दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, सो व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम. अब देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स को जो जैसे कि बैल, बकरी, मुर्गी, ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारे यूज़ में आते हैं ये सारे एनिमल्स. तो इनके लिए जब जब लोग इन्हें रखते हैं अपने साथ में, तो उनके लिए वो लोग खुद घर बनाते हैं, मतलब लोग ही वो जानवरों के लिए घर बनाते हैं. सो व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम, मीन्स जब इंसान कोई ये सारी चीज़ों को रखते हैं तो उनके लिए वो खुद उनका शेल्टर बनाते हैं. ओके, द शेल्टर बिल्ड फॉर हैन इज कॉल्ड अ चिकन कूप और हैन हाउस. अब देखो, जो मुर्गियों को, हैन मीन्स मुर्गी, राइट, तो इनके लिए जो शेल्टर बनता है, जो घर बनता है, उसे क्या कहते हैं, चिकन कूप या फिर हैन हाउस. मतलब ये जो मुर्गियों का घर होता है उसे क्या कहा जाता है, चिकन कूप या फिर हैन हाउस बोला जाता है. ओके, अ काउ शेड इज बिल्ड फॉर काउज. अब काउ शेड जो मीन्स काउओं के लिए जो शेड बनता है, तबेले जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं, काउ शेड, राइट. तो वो किसके लिए बनाया जाता है, तबेला किसके लिए बनाया जाता है, काउंस के लिए बनाया जाता है. सो अ काउ शेड इज बिल्ड फॉर काउंस, मीन्स ये जो है शेल्टर किसके लिए बनाया जाता है, काउ के लिए बनाया जाता है. ओके, द शेल्टर फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेबल. अब देखो, जो जो हॉर्स के लिए बनाया जाता है, मीन्स हॉर्स को रहने के लिए जो शेल्टर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेबल, मीन्स स्टेबल. स्टेबल में हॉर्स को रखा जाता है, राइट. तो जो शेल्टर, वो शेल्टर जिसमें हॉर्स को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेबल. ओके, वॉट वी हैव लर्नड नाउ, हमने आज क्या क्या पढ़ा. एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अ कोल्ड, विंड, सन एंड रेन. मीन्स एनिमल्स जो जानवर होते हैं, उनको भी क्या रहता है, शेल्टर की ज़रूरत रहती है. क्यों शेल्टर की ज़रूरत रहती है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, मीन्स वो लोग बच सके, किससे, जैसे कि कोल्ड हो गया, ठंडी हवाएं, विंड, सन एंड रेन, सूरज और बारिश से. सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर. अब जो कुछ एनिमल्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना शेल्टर मीन्स अपना घर खुद बनाते हैं. ओके, सम एनिमल्स लुक फॉर रेडी शेल्टर इन देयर सराउंडिंग. लेकिन जो कुछ एनिमल्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं अपना शेल्टर खुद नहीं बनाते, वो लोग आसपास अपना सराउंडिंग देखते हैं, मीन्स अपनी सेफ सराउंडिंग देखते हैं, मतलब आसपास ऐसी कोई सेफ जगह देखते हैं जहाँ पर वो रह सके, राइट. वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर द एनिमल्स वी कीप. और जो हम रहते, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो जानवर को हमारे साथ में रखते हैं, जैसे गाय, बकरी, मुर्गी, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग खुद शेल्टर बनाते हैं. ओके, सो वी बिल्ड शेल्टर फॉर द एनिमल्स वी कीप, मीन्स जिसे हम रखते हैं उसके लिए हम लोग खुद शेल्टर बनाते हैं. ओके, नाउ सी, ऑलवेज रिमेंबर, इज इट राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर आवर प्लेजर. मीन्स ये क्या सही बात है, एनिमल को, मीन्स जानवरों को, किस में रखना, केजेस में. केजेस मीन्स पिंजरों में रखना, फॉर आवर प्लेजर, मीन्स हमारे लिए, हम उन्हें देख सके, हम उन्हें मतलब जब चाहे उन्हें जाकर देख सके, उसके लिए उन्हें पिंजरे में रखना, ये अच्छी बात है क्या, नहीं ना. नो, लेट देम लीव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, दिस इज नॉट गुड, राइट. उन्हें बंद करके उन्हें पिंजरे में रखना, ये अच्छी बात नहीं है, राइट. नो, लेट देम लीव देम इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, मीन्स उन्हें उनकी नेचुरल सराउंडिंग, मीन्स उन्हें जहाँ रहना पसंद है उन्हें वहाँ पे रहने देना चाहिए, हमें उन्हें पकड़कर पिंजरों में नहीं रखना चाहिए. ओके,